कैलेंडर गर्ल्स पर फिल्म बनाने का फैसला क्यों किया मधुर ने? वो क्या वजह थी जिसके बाद कैलेंडर गर्ल्स की लाइफ पर बेस्ड फिल्म बनाने का डिसीजन मधुर को लेना पड़ा? एक दिन जो मेरा ऑफिस बॉय था, वो कुछ कैलेंडर्स जो है 3-4 साल के एक कमरे में ऊपर थे जो साफ सफाई कर रहा था, तो उसने मेरे सामने लाके साफ सफाई करने का बोले, इन कैलेंडर का क्या करना है? मतलब रख दे भाई, देख ले इसको, रात डाल दे बाजू में, और सब में उसने कहीं रूम में कमरे में बाजू में रख दिया। और मुझे याद है एक दो दिन के बाद मैं ऐसे निकल रहा था ऑफिस के लिए, तो मैंने ऐसे कुछ पन्ने उसके पलट के देखे। जब पन्ने पलट के देखे तो मुझे ऐसा लगा कि ये लड़कियाँ आती कहाँ से, इनका कोई ठिकाना नहीं, ये जाती कहाँ है? क्योंकि मैंने देखा 99% ऑफ द लड़कियाँ का जिक्र भी नहीं है, दे आर नोवेयर इन द सीन, दे आर नोवेयर डूइंग एनी वर्क। सो दैट वॉज द इंट्रीग पॉइंट फॉर मी टू मेक अ फिल्म लाइक कैलेंडर गर्ल्स। जूम से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान मधुर ने ये भी बताया कि वो क्यों चाहते थे उनकी इस फिल्म को सेंसर की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिले। मैंने इसलिए यूए सर्टिफिकेट चाहता था इसको मिले बोल के, ताकि पेरेंट्स भी देखे, मैंने फैमिली के साथ अगर देखे। लेकिन सेंसर को ऐसा लगा कि नहीं, बहुत आपने रियल बनाई है, हार्ड एडिंग बनाई है, कई चीज़ें इसमें ऐसी है, तो आप इसको काटिए मत और इसको ए सर्टिफिकेट रहने दीजिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सेंसर का भी, जिन्होंने एक सीन भी नहीं काटा, एक फ्रेम भी नहीं काटा, और एज इट इज उन्होंने बोला हम अप्रिशिएट करते हैं आपने इस तरह की फिल्म बनाई है। कैलेंडर गर्ल्स को भले ही ए सर्टिफिकेट मिला है, पर हमें नहीं लगता इसका असर फिल्म पर कुछ ज्यादा पड़ेगा। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई।